बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी है चिकन बिरयानी विद टोमेटो पेस्ट। बहुत बढ़िया सी रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, स्किप मत कीजिए, मगर स्किप करेंगे तो प्रोसेस पता नहीं चलेगा। तो देखिए, 1 किलो चिकन हमने धो के ले लिया है और इसमें हम 1.5 स्पून नमक ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी हल्दी ऐड किया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर भी हमने ऐड किया है और एक कप हमने टोमेटो पेस्ट भी इधर ऐड कर रहे हैं। टोमेटो पेस्ट से जो बिरयानी हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगी आपको, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखते जाइएगा, प्रोसेस स्किप मत कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। देखेंगे ये आके जिंजर गार्लिक और कोथमीर कोरिएंडर पेस्ट है, हमने 2 स्पून हमने डाल दिए हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लें, मैरिनेट कर लें, अच्छे से मिक्स करें ताकि हमारा जो भी पेस्ट वगैरह जो भी मसाले हैं सब इसमें चिकन में अच्छे से मर्ज हो जाए। चिकन मसाले से ही अच्छा टेस्ट मिलेगा, तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम 1 आवर के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। दूसरे बर्तन में, दूसरे पैन में हम अपने हिसाब से तेल ऐड करेंगे। आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा या कम मत डालिए, मीडियम ही डालिए। 1 किलो चिकन था तो मैंने 1.5 कप 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है इधर, तो इसमें हम स्लाइस्ड ऑनियन ऐड करेंगे पहले। थोड़ा तेल गर्म होने के बाद हम, गरम हो चुका है देखिए, ऑनियन ऐड करने के पहले ऑनियन को अच्छे से इसको अलग अलग कर लें जो भी हमने स्लाइस किया हुआ है और डालें, तो ताकि डालने के पहले इस तरह करने से हमारा ऑनियन अच्छे से पिंकिश कलर में आ जाएगा। तो देखें अच्छे से पका लें स्लाइस्ड ऑनियन। मैंने 2 बड़ी प्याज लिया था इधर, बहुत बढ़िया रेसिपी है, आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी आपको बिरयानी मिलेगी, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा और आपको, आप फॉरवर्ड कर कर के देखेंगे तो इतना मज़ा नहीं, इतना समझ नहीं आएगा, बनाने में भी हमको तकलीफ़ होती है, तो स्किप मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ये देखें हमने पुदीना यहाँ पे 1 हैंडफुल ऑफ मिंट हमने इधर ऐड किया हुआ है, तो इन सबको अच्छे से, ज़्यादा ब्लैक या ज़्यादा ब्राउन कलर में ना कीजिए प्याज, लिटिल बिट ब्राउन, इतना जो मैं दिखा रहा हूँ इतना लिटिल बिट गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें हमारा नेक्स्ट मसाला ऐड करेंगे। देखिए इधर मैंने, और वहाँ पे हमने मैरिनेशन के लिए ऑलरेडी 2 टीस्पून ऐड किया हुआ था, तो मैंने इधर 5 टीस्पून 6 टीस्पून मैंने इधर मसाला हम मेरा ऐड किया हुआ है, जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर कोथमीर का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, तो ये वाला फ्रेश ही ऐड कीजिए। जब भी मसाला डालें तो फ्रेश ऐड कीजिएगा, फ्रेश ऐड करने से आपको फ्लेवर ही अलग मिलेगा। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम अपना मसाला किस तरह फ्रेशली हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देखिए इधर मैंने ग्रीन चिल्ली भी इधर पीस के ले लिया है, ग्रीन चिल्ली में थोड़ा नमक डाल के पीस लें, दरदरा पीसें, ज़्यादा पेस्ट मत बना दीजिएगा, थोड़ा दरदरा, थोड़ा ही क्रश कीजिएगा बस, 1 या 2 पल्स के लिए हम चला लेंगे और हमारा ये ग्रीन चिल्ली पेस्ट डायरेक्टली हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाला भूनते वक्त ना एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तेज़ या आंच में ना बनाइए, आप बनाते हैं थोड़ा मीडियम में रखिए फ्लेम और चलाते रहें ताकि हमारा जो भी बिरयानी मसाला है वो नीचे ना लगे, इससे नीचे लगने से थोड़ा हमारा फ्लेवर इसमें
चेंज हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ज़्यादा फ्लेम में रखेंगे और थोड़ा आप कोई भी काम कर रहे हो तो नीचे लगने का ज़्यादा रहता है प्रॉब्लम, तो मीडियम में रख के आप देखिए इस तरह से हिलाते ही रहें, नीचे लगने ही ना दें। थोड़ा मैंने कुछ लेने के लिए गई थी, देखिए अच्छे से नीचे ही लगने ना दें, अच्छे से हमको इसको भून लेना है ऑयल में ही अच्छे से, ज़्यादा ब्लैक या कोई ना करें, बस इतना ही भूने। और टमाटर ऐड कर दें, टमाटर मैंने कम लिया हुआ है, देखिए अब मैंने 2 टमाटर ही लिया हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चिकन मैरिनेशन में 1 कप टोमेटो पेस्ट डाला था, तो मैंने सिर्फ 2 टोमेटो से इधर मैंने लिए थे बड़े वाले। इसको भी अच्छे से पका लें, टमाटर को भी ध्यान से नीचे लगने ना दें, पकाते ही रहें। देखिए हमारा ये जो भी मसाले वगैरह हैं ना, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, लौंग, चकला और अनस फ्लावर, इसको हम दरदरा कूट लेंगे। और ये शाजीरा मैंने 1.5 स्पून लिया था, ये डायरेक्टली आप मसाले बिरयानी मसाले में ऐड कीजिएगा। मैंने जो भी पहले होल स्पाइसेस बताए थे, इसको इस तरह दरदरा कूट लें, मिक्सी में नहीं कोई सिलबट्टे में इस तरह से पीस लें, पेस्टल में ऑफ ही डालें और ऑफ थोड़ा बाद में ऐड करने के लिए सेव कर लें, इसको भी ज़्यादा ना पकाएं। और हल्दी ऐड किया है मैंने, हल्दी भी थोड़ी क्योंकि मैरिनेशन में ऑलरेडी डाला हुआ था, तो मिर्च रेड चिल्ली पाउडर भी मैंने 1.5 स्पून ही ऐड किया हुआ है, ज़्यादा स्पाइस हो जाएगा अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे, ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में भी डाला हुआ था। एक बात का ध्यान रखें, नीचे लगने ना दें, नीचे अगर लग जाएगा तो वो टेस्ट ही बदल जाएगा। अब हमारा मैरिनेटेड चिकन 1 आवर के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था, तो वो हम इधर ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे से ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लें मैरिनेटेड चिकन को, मसाले से अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है इस वक्त, और बढ़िया भी लग रहा है, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और आप भी सिंपल सी बिरयानी रेसिपी है, मगर आपको रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल टच ज़रूर देगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को। और जो भी वाटर मैरिनेटेड हमने रखा था वो कोई भी बर्तन में या टब में जो भी हमने रखा, तो उसमें थोड़ा बहुत लग जाता है मसाला, तो उसे भी वेस्ट की मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत वाटर ऐड करके इसमें हमारे इस मसाले में ऐड कर देंगे तो अच्छा फ्लेवर जो भी है अच्छे से मिलेंगे हमको। तो मीडियम फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, हाई में नहीं रखना है। तो देखें हमारा बिरयानी मसाला चिकन जो भी यखनी है पकते हुए 1/2 आवर हो चुका है, मैंने स्लो फ्लेम में ही रखा था। नमक ऑलरेडी मैंने 1.5 स्पून ऐड किया था, तो मैंने इधर 1 स्पून ही ऐड किया है। आप टेस्ट करके अपने हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हो ज़्यादा या कम, जितना आप बेहतर प्रिफर करते हो खाना। तो ढक के हम स्लो फ्लेम पे ही पकाने के रख देंगे। देखिए हमारा यखनी रेडी हो चुकी है, मैंने नीचे ले लिया है फ्लेम ऑफ करके। तो इधर मैं एक बड़ा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें, पकते वक्त ना डालें यार, वो भी टेस्ट, ये भी अलग वाला टेस्ट मिलेगा आपको। और ये जो मैंने आधा रखा हुआ था होल स्पाइसेस का मसाला, ये मैंने इधर ऐड किया हुआ है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ऐड करेंगे ये वाला मसाला, तो और आपको फ्लेवर बनेगी बिरयानी। तो मैंने इधर राइस को ऑलरेडी 70% कुक करके ले चुकी हूँ, तो इधर हम मिक्स करेंगे, दम के लिए रख देंगे। तो थोड़ा लेयर वाली बिरयानी ही है, मगर नेक्स्ट ट्विस्ट टमाटर वाले पेस्ट से बहुत लाजवाब बनेगी,
आप ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको यखनी और राइस के साथ मिलाते जाएंगे, एक एक लेयर करके। इस तरह से हमको दम के लिए, बिरयानी दम के लिए रखना होगा। थोड़ा थोड़ा राइस ऐड करते जाएं और थोड़ा हमारा चिकन यखनी, बिरयानी की यखनी हम ऐड करते जाएंगे। बहुत बहुत टेस्टी बनी थी हमारी बिरयानी। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। मैंने टोमेटो का पेस्ट वाला रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कीजिएगा कि टमाटर का पेस्ट किस तरह से बनाते हैं। आप उधर से देखें, मेरा वाला वीडियो अपलोड किया हूँ मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक रख दूँगी आपको टमाटर वाला पेस्ट का, तो आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हो कि किस तरह से हमारा टमाटर का पेस्ट बनता है। तो ये देखें बिरयानी का मैंने एक एक लेयर करके पूरी कवर कर चुकी हूँ। तो थोड़ी यखनी और थोड़ा राइस हम ऐड करते जाएंगे और दम के लिए रेडी कर देंगे। नीचे मैंने स्लो फ्लेम कर दिया था, स्लो में ही रखें, ज़्यादा तेज आंच में ना रखें, मीडियम में नहीं चलेगा, सिर्फ स्लो पे ही हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए दम होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, तो ज़रूर माशाल्लाह फ्रेंड्स ज़रूर बोलिएगा। देखें दम होके रेडी हो चुके, मैंने सर्विंग प्लेट में ही प्लेट में भी निकाल चुकी हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रही है और खाने में भी बहुत बहुत लाजवाब टेस्ट मिला था। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। सिंपल सी रेसिपी बहुत बढ़िया से बनेगी, रमज़ान में हमको बहुत अच्छे से बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।